आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग अपने घर बैठे पर्सनल लोन अप्लाई करके लोन कैसे ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं लोन के लिए और आपको लोन नहीं मिलता है तो आइए आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आज के इस वीडियो में समझिए कि आप अपने घर बैठे लोन किस तरीका से अप्लाई करके आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इसी पर बात करने वाले हैं और आप लोग को सिखाने वाले हैं कि आप अपने घर बैठे अच्छे खासे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके आप लोन कैसे पा सकते हैं। और दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही एक बेहतरीन ऐप लाया हूं, उस ऐप की मदद से आप आसान तरीके से अच्छे खासे आप लोन लेकर और वो लोन को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली मरतबा है तो वीडियो के नीचे एक लाल वाला है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में एक बेल आइकन है इस पर क्लिक करके प्रेस कर दिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लोन लेने के लिए आपको करना क्या है, डॉक्यूमेंट की जरूरत होता है। डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूं दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, एक पैन कार्ड होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपका एज जो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर, ठीक है, एक मोबाइल नंबर और एक आपको ईमेल आईडी। और दोस्तों उसी मोबाइल नंबर से आपको अप्लाई करना है जिसमें आपका मोबाइल नंबर लगा हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सिंपली आपको करना है क्या, अपने प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद ये ऐप है जिसका नाम है क्रेडिट मी पर्सनल लोन ऐप। ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है जो अपने कस्टमर को लोन देता है। तो सिंपली अपने प्ले स्टोर में आना है और प्ले स्टोर में आने के बाद इसको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। गाइस डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर करना है क्या, यहाँ पर अबाउट दिस ऐप पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके अंदर आपको 2000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है। और दोस्तों इसमें जो भी लोन मिलेगा आपको आसान तरीका से क्विक लोन मिलेगा। और दोस्तों ये आपको सिविल स्कोर पे निर्भर करता है। अगर आपका सिविल स्कोर कम से कम यहाँ पे 600 है, जब भी आपको मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 650 भी रहेगा तो बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है इसके अंदर लोन लेने के लिए, दोस्तों इसके अंदर लोन लेने के लिए आपको मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूं कि अगर आपको लोन मिलता है तो दोस्तों यहां पे टाइम जो आपको मिलता है 3 महीना से लेकर 5 साल तक आपको मिलता है। इसके अंदर में आपको जब भी आपको टाइम मिलेगा उस अंदर में आपको अपना पेमेंट को सधा देना है, चलिए ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों यह बात कर लेता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पर लोन यहाँ पर कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए अंदर लोन लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर 7 स्टेप को कम्प्लीट करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टेप टू वैल्यू ए लोन, जिसमें आपको सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। उसके बाद दोस्तों अपलोड केवाईसी डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट को यहां पे अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे एड्रेस प्रूफ को यहां पे वेरीफाइड करना है प्रोफाइल को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोवाइड योर बैंक डिटेल डालना है, यानी कि जिस अकाउंट में आप लोन लेना चाहते हैं इसके मदद से उसका फाइनली आपको करना है क्या, यहाँ पर बैंक का डिटेल डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको लोन कितना लेना है वो आपको चॉइस करना है। उसके बाद दोस्तों अपना यहां पे सारी फिलअप डालना है। उसके बाद प्रोवाइड योर लोन का डिटेल डालना है। उसके बाद बैंक का डिटेल डालना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे कुछ देर वेट करना है और उसके बाद दोस्तों आपको रिक्वेस्ट मनी ट्रांसफर इन योर बैंक अकाउंट, दोस्तों आपको कुछ देर वेट करना है और जैसे आपका लोन अप्रूवल होता है उसी डायरेक्ट आपको यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। अदरवाइज आपको कोई दिक्कत होता है इसके अंदर अगर आपको लोन लेने में तो आप मुझे बताना है। तो चलिए दोस्तों सिंपली आपको यहां पे करने का इस ऐप को मैं ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद गाइज आपको वेट करना है। वेट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहां पे एग्री पे क्लिक कर देना है। गाइज एग्री पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं सिंपली कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो गेट अमाउंट लोन पे क्लिक करना है, एक मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। दोस्तों लॉग इन करने के बाद सिंपली यहाँ पे गेट अमाउंट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली कुछ ऐसा स्टेप है कंप्लीट। यहाँ पे 3 स्टेप ओनली है जिसमें यहाँ पे बेसिक ऑथोराइजेशन, तीसरा आइडेंटिटी ऑथोराइजेशन और चौथा यहाँ पे तीसरा है आपको यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको डालना कुछ नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पे नाम डालना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद रिलेशनशिप आपको यहाँ पे डालना है, एजुकेशन कितना पढ़े लिखे वो आपको लिखना है, अपना ईमेल आईडी लिखना है, पर्पस ऑफ लोन आप जो लोन इसके अंदर ले रहे हो किस कारण से ले रहे हो, किस पर्पस से आप लोन ले रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद रेसिडेंट टाइप में आपको रेसिडेंट टाइप कर लेना है। उसको अपने एरिया का पिन कोड डालना है, अपना एड्रेस डालना है,
गाइज एड्रेस डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पे टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप सैलराइड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर सैलराइड यानी कहीं जॉब करते हो तो यहाँ पे सैलराइड सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड करना है। उसके बाद आप मंथली इनकम आपका क्या है, ये सारी चीज़ फिलअप करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। गाइज नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आएगा आपका, यहाँ पे आएगा यहाँ पे आइडेंटिटी ऑथराइजेशन, जिसमें आपको यहाँ पे अपना करना क्या है। सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे फर्स्ट डिटेल्स यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फटाफट यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे सारे फिलअप मैं कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेना है। सो गाइज नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लीज अपलोड फ्रंट फोटो ऑफ योर पैन कार्ड। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड का अपलोड करना है फोटो, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट यहाँ पे पैन कार्ड को अपलोड कर देता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने पैन कार्ड का यहाँ पे अपलोड करके नेक्स्ट कर दिया हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ आ चुका है आधार कार्ड का। तो दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड का आगे का करना है, आधार कार्ड का पीछे का अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों इसको भी मैं फटाफट यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे करने के बाद, अपलोड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा आ चुका है। ऐसा आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली आपको यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन डालना है। चलिए दोस्तों फटाफट आपको यहाँ पे करने का बैंक का नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड नाम लिखना है, उसके बाद बैंक का नाम लिखना है, उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट यहाँ पे मैं इसको भी फिलअप कर लेता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा आ चुका है। ऐसा आने के बाद कंफर्म डिटेल्स में आपका ऐसा आ चुका है, नाम क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या, फाइनली आपका डिटेल आ गया। अदरवाइज कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ गलत हो गया तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपका सही है तो टिक करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। गाइज सबमिट करने के बाद अंदर यहाँ पे अंदर वेरिफिकेशन के अंदर आपका चला गया है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट डिटेल्स हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अप्रूवल जैसे होगा, अप्रूवल होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसा योर क्रेडिट लिमिट आपको यहाँ पे आ चुका है। कैन टू लोन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये पता करा है कि कितना लोन लेना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पे करने का भी ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों पे करने का भी ऑप्शन आ रहा है आपको, अदरवाइज आप चाहे तो पे कर सकते हैं। दोस्तों आपको पे करना है, पे करने के बाद ही आपको लोन मिलेगा, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलेगा। और दोस्तों आपको विश्वास है तभी करना है, अगर विश्वास नहीं है तो नहीं करना है। दोस्तों मेरा काम है कि मैं आप लोग को बता दूँ कि इस ऐप के अंदर आप लोन कैसे ले सकते हो। दोस्तों इसके बारे में पूरा जानकारी लेना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी लेने के लिए आपको करना है क्या होगा, अपने प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ अबाउट दिस ऐप के अंदर आना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस का, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ईमेल आईडी भी दे रखा है, या आप यहाँ इसका एड्रेस पे भी जाकर पहुँच कर पता कर सकते हैं कि भाई सही में ये लोन देता है या नहीं देता है। दोस्तों मेरा काम है मैं अपने भाई लोग को बता दूं कि आप लोग किस तरीका से आप लोन के लिए अप्लाई करके आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई कर सकते इसी तरीका से। तो जल्दी से भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल वाला है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में एक बेल आइकन है इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर नए वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए लव यू।